निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल से लड़की की लाश मिलने का मामला। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुकदमे के मतन से मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये डिफेंस रोड पर वाकया निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की एमरजेंसी से जो है वो 20 साल लड़की की लाश मिलने का मामला है। मुआफन पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा अपनी मुदय्यत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दिफात लगाते हुए दर्ज किया है। अब पुलिस FIR के मतन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दो नामालूम मुलजिमान जो थे वो सफेद रंग की कार में अस्पताल की एमरजेंसी में आए और उसके बाद इस लड़की को मुर्दा हालत में वापस छोड़कर मौका से फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल और ज्यादती समेत दीगर जो वो तहकीकात है वो की जा रही है। मुख्य पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जल्द जो है वो हकायक जो है सामने आ जाएंगे। मुलजमान की सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जल्द उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। जी, कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अरसलान, शुक्रिया।